गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप भी अपने गार्डन में मस्त और व्यस्त होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जिसको आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और कुछ आपको इससे सीखने के लिए भी मिलेगा। आज मैं अपने गार्डन में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्क करने वाली हूँ जो हर गार्डनर का डेली वर्क क्या होता है और क्या क्या हम अपने गार्डन में रोज़ वर्क करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं अपने गार्डन में अभी सुबह के टाइम में वाटरिंग कर रही थी, तो वाटरिंग करते करते हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे प्लांट्स के जो सूखे फूल्स हैं वो काफ़ी सूख चुके हैं, तो उनको अच्छे से इस तरह से तोड़ लेंगे। जितने भी जो पत्तियां ग्रो नहीं कर रही हैं, जो फूल ग्रो नहीं कर रहे, तो उनको इस तरह से निकाल लेंगे। तो यही मैं आज सबसे पहले इनमें निकालूंगी। और अपने गार्डन के लिए मैंने क्या क्या अभी लाई हूँ मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारे कुछ इस तरह से जो भी हमने अपने गार्डन से सूखे फूल या पत्तियाँ निकाले हैं, जो भी जितने भी हमारे पास सूखे फूल होते हैं और जो भी पूजा में चढ़ते हैं, उन सबको मैं इस तरह से धूप में अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। और इनका भी मैं अच्छे से लिक्विड भी फर्टिलाइज़र बताऊँगी और ड्राई फर्टिलाइज़र भी बताऊँगी, पर वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। और इसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इसके पर वीडियो बनाऊँ, तभी मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इस तरह से कुछ कंपोस्टिंग की शॉपिंग की हूँ। यहाँ पे है हमारे कोकोपीट जो कि टेरेस गार्डन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ये हमारे जो टेरेस गार्डन जो करते हैं हम लोग, उसमें मिट्टी की जो वजन होती है काफ़ी हैवी होती है और रेत की मात्रा भी जो होती है वो भी काफ़ी हैवी होती है, तो इसीलिए हम सबसे पहले अपने जो कोकोपीट है तो इनको इस तरह से हम इस तरह से आज खोल के और फिर उसके बाद इनकी अच्छे से वॉश करके आज ड्राई कर लूँगी मैं इनको, क्योंकि जब भी हम टेरेस में मिट्टी ज़्यादा वजन देते हैं तो हमारा जो गार्डनिंग का शौक करते तो हैं लेकिन हमें कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए, तो इसका भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए हम जो वर्क कर रहे हैं वो कि हमारे लिए फ़ायदा हो पर किसी के लिए नुकसान ना हो। इसीलिए हम मिट्टी को और हल्के बनाने के लिए इन कोकोपीट का यूज़ करते हैं। आप चाहे तो राइस हक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अभी मुझे अवेलेबल नहीं हुआ इसलिए मैं यही लेकर आई हूँ। और ये मैंने कुछ 2 केजी के आसपास ये पैकेट होगा कंपोस्टिंग का, जो वर्मिंग कंपोस्ट मिलता है ये 2 केजी का है और आप इस पे प्राइस भी देख सकते हैं। और ये वर्मी कंपोस्ट काफ़ी ऑर्गेनिक और अच्छा है, इसमें काउ डंग मेन्यू का भी है और लीव नीम लीव भी है इसमें, तो उन्हीं का ये बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा ये कंपोस्ट है। तो अधिकतर मैं यही यूज़ करती हूँ जब मेरे पास, अभी ठंडियों में जो भी हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार करते हैं वो ठंडियों में उसकी बहुत ही धीरे प्रोसेसिंग होती है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा परचेस करना पड़ता है हमें, क्योंकि अभी विंटर्स में फ्लावरिंग की मात्रा ज़्यादा होती है और कंपोस्टिंग की भी ज़रूरत होती है, तब हमें बाय करना पड़ता है। और यहाँ पे है हमने कुछ इस तरह से 2.5 किलो के आसपास हमने ये नीम फली ली है जो कि ये भी हमारे गार्डनिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है और हमारे जो मिट्टी है उनको बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ रखते हैं, तो इसलिए हम इनकी जो इनको बाय ज़रूर करती हूँ मैं। और एक मैंने एक नए प्रोडक्ट ये भी ली हूँ, ये हिबिस्कस पाउडर है जो कि हम अपने फ्लावरिंग प्लांट के लिए यूज़ करेंगे। आप ये भी ऑर्गेनिक है और ये इस तरह से हमने अपने गार्डन की जो छोटी मोटी सी शॉपिंग की हूँ वो है। तो आज का हमारा यही वर्क है जो कि आज हम गार्डन का छोटी मोटी आज सफाई वगैरह नहीं कर रही हूँ, वाटरिंग कर दी हूँ मैं सारे प्लांट को, तो आज मैं जो लेकर आई हूँ आज मैं इसी में काम करूँगी। तो ये सबसे पहले इनको सुखाना बहुत ज़रूरी है, इनको वॉश करना भी ज़रूरी है,
तो सबसे पहले मैं इनको इस तरह से, ये 10 लीटर का बकेट होगा, 10 से 15 लीटर का बकेट है, और इसमें हम इनको टुकड़े करके डालूंगी, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाएंगे, इसीलिए इनके टुकड़े करके मैं इसमें, तो ये जो है इस तरह से हम इनमें डिप कर देंगे, जितना भी इसमें मॉइस्चर होगा उतना निकल जाएगा, और फिर उसके बाद मैं एक और पानी से इनको वॉश कर लूँगी। तो ये तो हमारा आज काम चलता ही रहेगा, और और हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं आज, इनको सारे को हम लिक्विड फर्टिलाइज़र तो देते ही हैं, बट आज इनको मैं सॉलिड फर्टिलाइज़र दूंगी। और सॉलिड फर्टिलाइज़र देने से पहले इनकी मिट्टी को मैं अच्छे से गुड़ाई करने वाली हूँ। तो चलिए, क्या क्या, तो इस तरह से हम अपनी मिट्टी को गुड़ाई वगैरह कर देंगे। चलिए, गुड़ाई करते करते मैं आपके साथ एक बात भी शेयर करने वाली हूँ, जो मैं करती हूँ और आप लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा। क्या आपने सोचा है कि जो आप काम कर रहे हैं उससे आप कुछ अर्निंग भी करना चाहेंगे? जैसे कि आप जो ये गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग अगर हमारा एक बिजनेस भी बन जाए तो वो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद भी हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा शौक के साथ साथ हमारा अर्निंग भी होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे बहुत सारी आइडिया तो नहीं है, पर जो मैं ऐसे करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि मेरे पास जितने भी प्लांट हैं मैं उनको ही डिवाइडेड करती रहती हूँ, और डिवाइडेड करने के बाद मैं उनके अच्छे से प्लांट बनाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास कुछ अलग अलग कलेक्शन है हमारे पास, तो कुछ इस तरह से मैंने एक जैसा ही बहुत सारे प्लांट रखी हूँ, तो एक दो प्लांट तो हमारा वो चल जाएगा। अगर हमारे पास बहुत बड़ा गार्डन है तब तो हम उतना प्लांट रखेंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद अगर हम एक जैसे प्लांट हो अगर, तो हम उनको सेल भी कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास ऐसे बहुत सारे, आजकल नर्सरी वाले का बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो भी आप टेरेस गार्डन करते हैं या फिर ग्राउंड एरिया में भी जो करते हैं वो भी कर सकते हैं। बस आपकी जो इच्छाएं हैं, वो शौक है, वो अगर आप बिजनेस के तौर पे भी करना चाहेंगे तो भी आप इससे बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेरे इस तरह से जो प्लांट है, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे रिकमेंड्स आते हैं कि आप मुझे सेल कर दो ये सारे प्लांट्स, तो मेरे पास अगर उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तभी मैं उनको देती हूँ, नहीं तो मैं एक, जब मेरे पास इतना है तो इसलिए मैं उनको नहीं देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप किस तरह से सेलिंग कर सकते हैं। जैसे आजकल आपके घर के पास ही बहुत सारे ऐसे सेलर्स आते होंगे, जो नर्सरी वाले जो गाड़ी वगैरह में आपको बेचने आते हैं जो प्लांट्स को, तो आप उनसे भी बात करके, पर आपका जो प्लांट की जो खर्चे हैं वो आपको कम मात्रा में करनी होगी, और आप उनको कम से कम मात्रा में आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही सेल करते हैं तो वो आपसे कम ही प्राइस में लेंगे, और आप उनको कम से कम खर्च में प्लांट तैयार करके और दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कम से कम गार्डनिंग का खर्चा करना है तो हमें क्या क्या उसमें करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आप जो राई सक्स होते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो, अगर ग्राउंड एरिया है आपकी, तो आप डायरेक्टली मिट्टी और सॉयल मिक्सर और रेत से भी कर सकते हैं। तो आपका जैसा अवेलेबल हो आप वैसी मिट्टी तैयार करें, और आप चाहे तो इस तरह से जितनी भी पन्नियाँ आती हैं, जैसे मेरे पास अभी बहुत सारे सेल करने के लिए स्ट्रॉबेरी प्लांट्स हैं, देख सकते हैं, तो इसको मैंने बहुत सारे इस तरह से वेस्ट पन्नियों में, जो हमारे पास पैकेजिंग वाले जो
ग्रोसरी के जो पैकेट आते हैं, तो इस तरह से हम बहुत सारे उनकी जो पैकेट जो हमें बच जाते हैं उन्हें हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो उनका भी हम इस तरह से यूज़ किए हैं। और इसमें बहुत सारे इस तरह ऐसे प्लांट लगाए हैं जो कि काफ़ी हेल्दी है और अभी आप इसका डिमांड भी है। तो आप अगर इस तरह से तैयार किए हैं, अब वो आपको अगर सेल कर रहे हैं 50 या 60 रुपीज़ में, तो आप उनको 10 या 20 रुपीज़ में आप उनको सेल कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ी से अपने प्लांट्स की मात्रा प्राइस कम रखेंगे तो वो आपसे ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि उन्हें हाई रेंज में बेचना होता है और कम से कम प्राइस में आप उनको बेच सकते हैं। तो इसीलिए हम इस तरह से बहुत सारे अपने पौधे तैयार करते हैं, और आप भी इस तरह से कर सकते हैं यदि आप मेरे जैसा गार्डनिंग करते हैं कम बजट में और ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो वर्क करते हैं उसको हर चीज़ को इन्जॉयमेंट के साथ साथ बिजनेस का भी हमें आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरह से कर सकते हैं। आजकल ये बहुत सारे वर्क हैं जो हम घर बैठे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी जो हॉबी है, मैं इस तरह से प्लांट तो इन्हीं को मैं ज़्यादा तक बढ़ाई हूँ और इन्हीं को मैं सेल करना पसंद करती हूँ। तो अगर आपकी भी इस तरह से कुछ हॉबी है तो आप कर सकते हैं। ये थी मेरे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आपको आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे कुछ और बहुत सारे इस तरह से प्लांट हैं जो कि सेल होने के लिए मैंने रखी हूँ, और ऐसे बहुत सारे और भी फ्लावरिंग प्लांट हैं जो कि वो भी हमारा बहुत ही अच्छे से सेल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ज़रूरी टिप्स और कुछ ज़रूरी जानकारी जो आप भी कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर की हूँ। और आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है नर्सरी वाले नर्सरी प्लांट की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़े सी भी अगर स्पेस है तो वो थोड़ी भी गार्डनिंग ज़रूर करना चाहेंगे, और हर कोई चाहता है हमें तैयार पौधा मिले। तो बस इस तरह से अगर हम उनको तैयार पौधा देंगे तो बस उनको कंटेनर में लगाना लगाना ही रहेगा, और उनको थोड़ी सी टिप्स भी दे देंगे फ्री में कि हम इनको किस तरह से ग्रो किए हैं और आप इसको किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, अगर आप किसी को डायरेक्टली सेल कर रहे हैं तो, या फिर आप गाड़ी वाले, या फिर कोई कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप अपने जो सेलर्स आते हैं नर्सरी वाले जो गाड़ी से लेकर आते हैं, आप उनसे भी उनके द्वारा भी आप सेल करवा सकते हैं। तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको घर बैठे ही अपने प्लांट्स को तैयार करना है और आप सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड, बाय। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।